बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, महज एक ही ड्रामे से शायकीन के दिल जीतने वाली अदाकारा फातिमा सोहेल ने मदाहू की जानिब से शादी के सवालों पर जवाब देते हुए वाज़े किया है कि उन्होंने तहाल दूसरी शादी नहीं की। फातिमा सोहेल ने पहली शादी 2015 में अदाकार और गुलूकार मोहसिन अब्बास हैदर से की थी, जिनसे उन्होंने सितम्बर 2019 में तलाक ले ली थी। उन्हें एक 3 साल बेटा भी है जो उनके साथ ही रहता है। शोहर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम लगाने के बाद उनसे खुला लेने वाली फातिमा सोहेल ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने मेरा दिल मेरा दुश्मन से डेब्यू किया। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदाहों के सवालों के जवाब देते हुए ना सिर्फ अपनी पहली शादी पर बात की, बल्कि उन्होंने दूसरी शादी से मुतलिक पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। ज़्यादातर शायकीन ने उनकी खूबसूरती और फिटनेस की तारीफें की और उन्हें एक बहादुर लड़की भी करार दिया। बाद मदाहों ने उनसे सवाल करने की बजाय उनके लिए कमेंट्स किए कि वो तन्हा वालदा के तौर पर बेटे की परवरिश करके साबित कर रही हैं कि वो बहुत ही बहादुर हैं। ताहम बाज़ अफराद ने इनसे सवाल भी पूछे और एक खातून ने उनसे मशवरा मांगा कि वो किस तरह बहादुर बने और तन्हा वालदा के तौर पर कैसे 24 साल की उम्र की दो बच्चियों की परवरिश करे। फातिमा सोहेल ने बच्चियों की परवरिश करने वाली खातून को अच्छा पैगाम दिया और उन्हें बताया कि जिंदगी एक इम्तहान का हाल है, जिसमें हर इंसान को बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए और थकना नहीं चाहिए, बल्कि चलते रहना चाहिए। अदाकारा ने खातून को मशवरा दिया कि वो हार ना माने और हार मानने की बजाय दिल की बातें और मसाइल बच्चों को बताया करें। इसी तरह एक मदाह ने उनसे सवाल किया कि क्या उनकी पहली शादी मोहब्बत की थी या फिर घर वालों की जन्म से रिश्ता कर लिया गया था। फातिमा सोहेल ने मदाह को झाड़ पिलाने की बजाय उन्हें जवाब दिया कि उनकी पहली शादी मोहब्बत की शादी थी। एक मदाह ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने शादी कर ली, जिस पर उन्होंने इनकार में जवाब दिया। एक फैन ने अदाकार से सवाल किया कि तलाक के बाद उन्हें ज़िंदगी गुजारने में क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं या आई, जिस पर अदाकारा ने जवाब दिया कि अगर किसी भी शख्स ने शादी या ताल्लुक को बचाने के लिए 100% कोशिश की हो लेकिन उसके बावजूद वो उसमें नाकाम रहे तो फिर उसे खुद पर मलामत नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और अब तो याद करने पर उन्हें कभी कभी ये याद आता है कि उन्होंने शादी भी की थी या उनकी तलाक हुई थी। इसी तरह एक मदाह ने उनसे सवाल किया कि क्या वो उस वक्त किसी ताल्लुकात में थी या किसी को पसंद करती हैं, जिस पर उन्होंने प्यार भरे अंदाज में सवाल जवाब लिखा कि वो मदाहों को सब कुछ बता देंगी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।